फिर हालात बदल रहे हैं घाटी में। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की साजिशें तेज हो चुकी हैं। खासकर सितंबर महीने से ऐसे लोगों पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद के चरम के दौरान भी घाटी से पलायन नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के प्रयासों के बीच पाकिस्तान ने घाटी में दहशत का माहौल पैदा करने की साजिश रची है। 90 के दशक में भी इसी तरीके के हालात पैदा किए गए थे जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अहम बात यह है कि ज्यादातर हत्याएं श्रीनगर में ही हो रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद पर बौखला चुका है। उसने फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडितों, सिखों, गैर कश्मीरी लोगों पर हमले और मंदिरों को जलाने की नापाक कोशिशें भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। इसी के तहत लश्कर ए तैयबा को अल्पसंख्यकों पर हमला करने और दहशत का माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की चिंता है कि यदि कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा से घाटी में बसाने का सरकारी प्रयास सफल हो जाता है तो उसकी 3 दशक की कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश बेकार हो जाएगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार की ओर से पूरी घाटी में शांति स्थापित होने के दावे को खारिज करना भी साजिश का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी सीमा पार से आतंकी संगठनों को हवा दी जा रही है। अगर आप इसी साल की बात कर ले, यानी जो करंट ईयर चल रहा है, उसमें ही तकरीबन 28 नागरिकों की आतंकियों ने हत्या की है। इसमें एक बात जो है वो गौर करने वाली है, या तो इन 28 लोगों में वो सिख समुदाय से हैं, या वो कश्मीरी पंडित हैं, या फिर वो गैर कश्मीरी लोग हैं। इन लोगों पर टारगेट किया गया है, यानी टारगेट बेस इस समय जो है हमला आतंकवाद की तरफ से जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि ये तस्वीर बिल्कुल वही तस्वीर दोहराती नजर आ रही है जो 1990 में हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखी थी। 1990 के अंदर भी जो अल्पसंख्यक समाज था, जम्मू कश्मीर का अल्पसंख्यक समाज, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी एक बड़ी संख्या में है, इसलिए वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं, जो सिख समाज है, वो अल्पसंख्यक में आता है। गैर कश्मीरी जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज में आता है और उन पर लगातार हमला हो रहा है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सत्यवान महिवाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं महिवाल जी आपके पास आऊँगी, क्योंकि देखिए घाटी की तस्वीर बदलने के चलते ही एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, लेकिन ये तस्वीर वापस उसी गति में जारी है जो हमने 1990 की तस्वीर में देखा था। अभी 28 लोगों का डेटा निकल करके सामने आया है जो इसी साल जम्मू कश्मीर में, जिन्हें आतंकियों ने अपने निशाने पर लिया, और इसमें सिख, कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी लोग शामिल है, यानी जो अल्पसंख्यक समाज है जम्मू कश्मीर का, वो एक बार फिर निशाने पर है। जैसे ही केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाने का काम किया और जो कश्मीरी पंडित है या जो लोग कश्मीर से 1990 में जिनकी संपत्ति पर कब्जा किया गया था, जिनको वहां से भगा दिया गया था, उनको पुनर्स्थापित करने का जैसे कार्य प्रारंभ किया, तो इस प्रकार की हत्याएं देखने को मिली हैं। तो वैसा ही मंजर मैं कहूंगा। और अब जो लोग कश्मीर के लोग हैं, जो लगातार ये कहते थे हम जो है आवाम की, कश्मीर की आवाम की हिफाजत करेंगे, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे स्कॉलर लोग हैं, जो बड़े बड़े दावे करते थे मीडिया चैनल्स पर बैठकर, उनको अब सामने आना होगा इन हत्याओं पर, जो उनको अपना पक्ष, अपना रुख साफ करना होगा। कोई मानवाधिकार की आयोग की कोई भी संस्था अभी तक सामने नहीं आई है, तो ऐसा ही करीब करीब ये मंजर दिखाई दे रहा है जो 1990 में दिखाई दिया था। तो इसलिए सरकार के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है, और वहां के आवाम के लिए भी ये चुनौती है किस प्रकार से इन घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
जैसे जैसे वहां लोग अपना दावा कर रहे हैं अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए, अपने मकान जमीन जायदाद कृषि की भूमि लेने के लिए जैसे जैसे दावे वहां किए जा रहे हैं, वहां शिकायतें दी जा रही है। हालांकि प्रशासन उन शिकायतों का निपटान भी कर रहा है, जितनी शिकायतें मिली हैं लगभग दो तिहाई शिकायतों का वहां निपटान किया गया है, उनको कब्जे दिलवाने शुरू किए गए हैं। तो ऐसे में अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है किस प्रकार से इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इतने इतने लंबे अरसे तक ये लोग दिल्ली जम्मू या अन्य क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, अब इनको जम्मू कश्मीर में दोबारा से स्थापित किया जाता है तो इनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, ये एक रोड मैप तैयार करना होगा और इस रोड मैप के आधार पर ही इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि ये हत्याएं रुक पाएंगी। बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, अब सरकार इससे कैसे पार पाएगी ये बड़ी बात है। बिल्कुल, दिलीप यशवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि देखिए हमने तो ये प्रयास किया, हिंदुस्तान को ये लगा था कि अनुच्छेद 370 और 35 ए के हट जाने के बाद, उसके निष्क्रिय हो जाने के बाद तस्वीर बहुत सामान्य हो जाएगी, वहाँ के लोग भी सुकून से रह पाएंगे जैसे हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा रहता है। लेकिन एक बार फिर वही तस्वीर, वही चीख पुकार, वही मौतों पर विलाप सामने आ रहा है जो हमने 1990 में देखा था, क्योंकि ये विलाप उन्हीं परिवारों का है जो उस समय भी अल्पसंख्यक थे, आज भी अल्पसंख्यक हैं, उस समय भी यही जो है हम लोग का शिकार होते थे और आज भी वही हम लोग का शिकार हो रहे हैं। नहीं काव्या, हमारा ये सोच लेना कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद स्थिति एकदम सामान्य होगी, ये पूर्णतया गलत है। क्योंकि जो टेररिज्म था वो टेररिज्म आर्टिकल 370 की वजह से ही नहीं था। जी जी, ऐसा नहीं था कि 370 था तो भारत सरकार का वहां पर कोई जोर नहीं चलता था। हाँ, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थी कश्मीर को जिसकी वजह से बहुत सारे कानून वहां नहीं चल पाया करते थे, बहुत सारी चीजें जो भारत सरकार करना चाहती थी वहां नहीं कर सकती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद वो सारा कंट्रोल भारत के पास आ गया, वो भारत का हिस्सा माना जाने लगा, भारत का संविधान वहां पर पूरी तरीके से लागू हो गया। भारत के जितने भी कानून थे, वैसे आप जनरली किसी भी कानून को उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होता था कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक लाइन पूरे एक्ट में किसी भी कानून में चला करती थी, वो एक्ट आर्टिकल 370 हटने के बाद ये लाइन उन एक्ट से हट गई और भारत सरकार का पूरा कंट्रोल हो गया। लेकिन भारत सरकार का कानूनी रूप से कंट्रोल होने के बावजूद टेररिज्म पे कंट्रोल करना एक दूसरा एस्पेक्ट है। जी, जी। और टेररिज्म वहां बढ़ेगा ये भारत सरकार को मान के चलना चाहिए था, और हम एज अ कॉमन मैन हम ये मान के भी चल रहे थे कि यहाँ पर आतंकवाद को अब ज्यादा जोर पकड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक था तब तक टेररिज्म वहां पर एक सेफ जोन में रहा करता था। जी। अब वो सेफ जोन, वो जो सेफ गार्ड था टेररिज्म का, वो हट गया तो वो थोड़े दिन तो बैकफुट पर गए और उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार करी कि अब वो हिस्सा कश्मीर का जो भारत का अंग है वहां पर टेररिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो टेररिज्म को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप आम आदमियों को मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जो खुशहाली आएगी वो आम आदमियों से ही आएगी। वो कश्मीरी पंडित जिसको 1990 में वहां से विस्थापित कर दिया गया था, आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार के हौसलों को देखते हुए कहा गया कि उनको वहां पर पुनर्स्थापित किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट थे वो वहां पर इनवाइट करने लगे, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाने लगा, वहां पे बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी एक्टिविटीज कॉमन मैन के द्वारा वहां पर पड़ रही थी। अगर आम आदमी ने वहां पर अपनी गतिविधि बढ़ा दी तो कश्मीर और आगे बढ़ जाएगा। तो उस गतिविधि को रोकने के लिए और वहां पर एक डर का माहौल पैदा करने के लिए टेररिज्म के पास एक ही रास्ता है कि वहां के आम आदमियों को मारना शुरू कर दें। और ये जो एक हिंदू मुसलमान की वैमनस्यता जो बहुत सालों से इस देश में चली आ रही है, पाकिस्तान और चाइना जिसका फायदा उठाने का पूरी कोशिश करते हैं, इस बार देखिए वो भी देखने को मिला। एक स्कूल में जो घटना हुई जहां पर सारे टीचर्स को लाइन से खड़ा किया गया, दो जो हिंदू थे उनको मार दिया गया, जितने मुसलमान टीचर्स थे उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो ये भी एक आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है वो इसी बहाने पूरे भारत में फैले। अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि वहां अगर ये टेररिज्म हुआ, वहां के टेररिस्ट ने ये काम किया, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में फैलेंगे कि मुसलमान इस देश का दुश्मन है, मुसलमानों को टारगेट करने की पूरी कोशिश है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालेगी। और सरकार, मुझे नहीं लगता है कि सरकार आर्टिकल 370 हटाने के बाद बहुत निश्चिंत थी कश्मीर को लेकर के, वहां पर बहुत सारी गतिविधियां भी बढ़ाई गई, लेकिन सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है।
आम आदमी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां पर इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल है। इस तरह का अगर कोई भी टेररिज्म होता है तो पहले आर्टिकल 370 था तो वहां के लोकल गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता था टेररिज्म को, उस लोकल गवर्नमेंट का फोर्स भी खत्म हो गया, उनकी ताकत भी खत्म हो गई, सरकार के खजाने से बहुत सारा पैसा जो उनको मिलता था जिसको वो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे खुद ही इंजॉय किया करते थे, तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी टेररिज्म को सपोर्ट करेगी ताकि वहां पर फिर से वही स्थिति पैदा हो जो 370 लगने की बात उठने लगी। जैसा कि कहा भी था, वहां के महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि हम यहाँ आर्टिकल 370 फिर से लगा देंगे, पाकिस्तान ने भी इसका सपोर्ट किया, तो भारत सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन भारत सरकार की इंटेलिजेंस को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है कि वो इस तरह की घटनाएं वहां पर रोके और आम आदमी के दिलों में दहशत ना पैदा होने। बिल्कुल सत्यवान जी, अगर एक बहुत ब्रीफ इसको मैं कंटेंट इसका अगर उठाऊं तो ये एक बार फिर डिक्लेयर करने का प्रयास है कि जो पुनर्स्थापना करवाई जा रही है कश्मीरी पंडितों की कह लीजिए या जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, सरकार का प्रयास है कि उनकी संपत्तियाँ उनको वापस दे दी जाए, उनके आवास उनको वापस मिल जाए, वो वापस अपने जम्मू कश्मीर में रह सके, वहाँ की जनता के तौर पर वहाँ निवास कर सकें। ये कहीं ना कहीं नहीं चाहता है, जो टेररिज्म है वो नहीं चाहता है कि यहाँ उनकी आबादी फिर बढ़े। वो चाह रहे हैं कि आज तक जैसे हालात रहे हैं कि यहाँ कश्मीरी पंडित नहीं थे, यहाँ अल्पसंख्यक समाज नहीं रहता था, जो जितने जो दो चार गिने चुने लोग रहते थे उन्हें हम जीने नहीं देते थे, हालात वैसे ही रहने चाहिए यहाँ के। देखिए निश्चित तौर पे जब से धारा 370 हटी है तब से न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी हरकतें देखेंगे तो वो बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होने जा रही है। जैसा मेरे साथी ने बताया कि वहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ भर्तियां हो रही हैं, युवाओं को भर्ती परीक्षा दी जा रही है, तो जो है जम्मू कश्मीर विकास की यात्रा पे आगे बढ़ रहा है, तो वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि जिस प्रकार से यहाँ शांति स्थापित हो, यहाँ जो है जो जम्मू कश्मीर से पंडित भगाए गए थे उनको यहाँ दोबारा स्थापित किया जाए, उनको उनकी संपत्तियां मिले, शांति बहाली हो। मुझे लगता है इन अगर सरकार को ये रोड मैप बनाना है तो निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी और स्थानीय लोग जो है वो इंटेलिजेंस दे, इस प्रकार की कोई उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, उनको जागरूकता अभियान चलाया जाए कि समय समय पर वो प्रशासन के साथ सुरक्षा बलों के साथ संपर्क में रहें। अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि लगती है, दिखाई देती है कि वहाँ कोई ऐसा संदिग्ध आतंकी है, संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी सूचना सुरक्षा बलों को प्रशासन को दी जाए, समय रहते उस पर कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार की ये घटना हुई ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई ना जाए, और न केवल इन हिंदुओं की हत्याएं वहां हो रही हैं बल्कि इससे पहले राजनीतिक लोगों की हत्याएं हुई, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी स्थिरता चाहिए जम्मू कश्मीर को, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो 370 हटाई गई थी तो उस समय खुले तौर पर इन्होंने कहा था तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बारूद से खेल रही है सरकार, ये चेतावनी दी थी इन्होंने कि बारूद से खेल रहे हैं आप। बिल्कुल, ये सीधे तौर पे हमारे संविधान को, हमारी सरकार को, हमारी डेमोक्रेसी को चेतावनी दी गई थी लोगों के द्वारा, और आज समय है उनकी चेतावनी का जवाब वहां की जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है जो शांति चाहती है वो इसका जवाब दे, वो प्रशासन के साथ सुरक्षा बलों के साथ सहयोग स्थापित करे और ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो, उनके लिए उनका प्रयास होना चाहिए तो ही जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि ये राजनीतिक घटनाएं या ये हिंदुओं की घटनाएं, चाहे सिख की वहां अल्पसंख्यक की बात करें, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के साथ प्रशासन के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, सुरक्षा बलों के लिए नियंत्रण लगाना मुश्किल है, काफी चुनौतीपूर्ण ये कार्य है, इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। तो स्थानीय लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होने जा रही है उस शांति में अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें, आगे आकर के पूरा सहयोग सुरक्षा बलों को दें। बिल्कुल, दिलीप यशवर्धन जी के पास जाती हूँ। दिलीप यशवर्धन जी, आतंकवाद के लिए अगर सबसे बड़ा हथियार कोई माना गया है वो शिक्षा है, वो विकास है, वो रोजगार है, और अब जम्मू कश्मीर में ये तीनों ही चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, और इस बात से कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो बहुत हद तक जानते हैं कि अगर ये तीन चीज़ें यहाँ की आम जनता को मिलनी शुरू हो गई तो उनके लिए ना तो कोई पत्थर उठाने वाला है, ना उनके साथ कोई आगे आकर के सेना से लड़ने वाला है, और इसीलिए वो आम आदमी को टारगेट करके बताना चाहते हैं
कि तुम अगर साथ देते हो हमारा तो जीवित रहोगे, अन्यथा तुम्हें मौत के हवाले कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा काव्या आपने, आर्टिकल 370 हटना भारत के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना पाकिस्तान और चाइना के लिए नुकसानदेह है जी, क्योंकि वहां से टेररिज्म की एंट्री बहुत इजी हो जाती है और स्पेशली तब जब वहां पर लोकल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी, वहां का इंक्लिनेशन हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा करता था, चाइना वहां से कॉरिडोर बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, तो वहां से जो चाइना और पाकिस्तान की टेढ़ी नजरें थी वो भारत पर बड़ी आसानी से पड़ जाती थी और उनके मंसूबे बड़े आसानी से सिद्ध हो सकते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद ये चीजें वहां से खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे वो रिवर्सल गियर में चीजें जा रही हैं। और ये आपने ठीक कहा कि जो वहां का बेरोजगार युवा है जो काम ना होने की वजह से टेररिज्म में लिप्त हो जाता है, क्योंकि वो लोग उनको पैसा दे करके और इस्लाम की बातों को बहका करके उन्हें दुनिया भर का बरगला करके उन्हें टेररिज्म में एंटर करा देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि देखो तुम अगर ये काम करते हो तो ये तुम अल्लाह की सेवा कर रहे हो, तुम इस्लाम की सेवा कर रहे हो, इस्लाम की सेवा भी करो, अल्लाह की इबादत भी करो और तुम्हें परिवार भी मिले, पैसा भी मिलेगा, और तुम अगर नहीं रहोगे तो तुमको शहीद कहा जाएगा और तुम्हारे परिवार को पूरी सुरक्षा और पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात आती है जीविकोपार्जन को लेकर के, तो वहां का जो युवा है अगर उस युवा को काम मिल जाएगा, उसका दिमाग इंगेज हो जाएगा, तो वो इन सारी बातों में अपने आप को लिप्त होने से रोक पाएगा। तो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार ऑल्दो इस जिम्मेदारी को निभा रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब वहां पर चीजें डेवलप होंगी, देखिए अगर कश्मीर में टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर कश्मीर का टूरिज्म आज पुराने समय की तरह रेस्टोर कर दिया जाए तो अपने आप में वहां इतना काम आ जाएगा कि वहां का प्रत्येक परिवार किसी ना किसी काम में लग जाएगा, क्योंकि टूरिज्म जब जाता है तो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह के रोजगार वहां पर आ जाते हैं। तो आदमी वहां का अगर व्यापार में एंगेज हो जाएगा, उसका जीविकोपार्जन होने लगेगा, तो वो इन सारी चीजों से दूर हो जाएगा और जो गलत इरादों के लोग हैं जो उनको बरगला करके उन्हें अपने साथ लाकर के टेररिज्म में एंटर कराते हैं, उन चीजों से बचत हो सकती है। तो सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि वहां पर सबसे पहले तो जो लोकल व्यक्ति है वहां का, उनके ऊपर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना पड़ेगा कि जितना ज्यादा टेररिस्ट मजबूत है उससे कहीं ज्यादा सरकार मजबूत है, उन्होंने अगर एक मारा है तो हम 20 मारेंगे, ये पद्धति सरकार को वहां पर प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध करनी पड़ेगी कि अगर विगत दिनों में 28 आदमी मारे गए हैं तो कम से कम 56 आतंकवादी वहां पर मारे जाएं, तब वहां की लोकल जनता को ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी ले रही है, सुरक्षा के साथ साथ वहां पर रोजगार का डेवलपमेंट हो। ऑल्दो सरकार ने बहुत सारी चीजें वहां शुरू कर दी है, लेकिन इन सारी चीजों पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराने के लिए जरूरी है कि सरकार सबसे पहले वहां पर आम नागरिक की सुरक्षा मुहैया कराए। देखिए इस घटना के होने के बावजूद वहां पर टेररिज्म ढीला पड़ गया, लोगों ने अपने जाने के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया क्योंकि ये डर बैठा देता है, और अगर ये महीने भर तक 2 महीने तक ये माहौल नॉर्मल रहेगा तो लोग फिर वहां जाना शुरू कर देंगे, डल झील में फिर से वही खूबसूरती वापस आ जाएगी। तो जब वहां का लोकल व्यक्ति फ्लरिश करेगा तो टेररिज्म अपने आप धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सही बात कही आपने सत्यवान जी, विकास के रास्ते पर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है और बहुत कुछ शांत हो चुका है और ये शांति अब बहुतों को अखरने लग गई है, नहीं चाहते हैं कि शांत हो जाए, लोगों को डरा रहे हैं, अगर एक तरीके से कहा जाए कि लोगों को डराया जा रहा है, जो एक बार फिर जो है अपना सामान लेकर के, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अपनी जगह जाना चाहते हैं, जिन लोगों को सरकार ने गारंटी दी है कि आपको हम आपकी जगह पर पहुंचा देंगे, आपकी जो संपत्ति होगी वो आपको दिलवा देंगे, और कहीं ना कहीं इस बात से भी घबराहट है वहां के जो आतंकी संगठन कह लीजिए या असामाजिक तत्व हैं, उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग जिन्हें भगाया था हमने 1990 में और ये वापस आए, अपनी चीज़ों पे इनको वापस अधिकार मिला, तो हमारे पास जो संसाधन थे उनमें कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि हमने तो दूसरों का हड़प के लिया था, आज वो अपनी चीज़ें वापस ले लेंगे तो उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैं बात कहूं, पहले लाल चौक का नाम बड़ी भयानकता से लिया जाता था, लाल चौक कश्मीर में पता नहीं ऐसी जगह होती थी कि जहां व्यक्ति जाते ही उसको आतंकी गोली मार देते थे, ऐसी भयानकता, लेकिन आज लाल चौक पे आजादी के साथ टूरिज्म बहुत फल फूल रहा है, टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, डल झील पे ओपन एयर बस चल रही है वो जो है, तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर ने विकास की यात्रा तय की है। लेकिन जहां बात करूं मैं कि जो आपने बात कही कि लोकल लोगों को ऐसा लगता है कि उनका रोजगार छिन जाएगा, ऐसा नहीं है, रोजगार था ही नहीं उनके पास, हम बात करें तो रोजगार के नाम पे उनके पास पत्थरबाजी थी, अब उनके पास रोजगार है,
वो अब वहाँ टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो टूरिस्ट के माध्यम से रोजगार है। 1990 के दशक से पहले की बात करें, 70-80 के दशक की बात करें, तो वहाँ बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती थी, लेकिन जब 90 में आतंकवाद का दौर आया तो उसके बाद वो चीजें बंद हो गई, रोजगार छिन गए। वहां जब जब आतंकवाद आया है तब तब वहां से रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन अब शांति बहाली हो रही है, लोग वहां जा रहे हैं तो रोजगार डेवलप हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक मैं बात करूं, अब पाकिस्तान पर इतना दबाव है, चाहे वो चाइना का है, अरब देश का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी अपनी चमड़ी बेचे तो भी उसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। तो काफी दबाव पाकिस्तान के ऊपर है, चाइना का दबाव है, तो उस दबाव के चलते इस प्रकार की घटनाएं, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं की को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए पहले भी कहा, स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, सुरक्षा बलों को समय पर हमारे सुरक्षा बल सरकारें ऑपरेशन चलाती रहती हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन, तो इस प्रकार की जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे मेरे साथी ने कहा कि वहां अगर 25 लोगों की हत्याएं की हैं तो 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, और तब जाकर के लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि कि हमारी केंद्र की सरकार, हमारा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा बल, कि उनकी जो जान माल की सुरक्षा है वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, वो प्रशासन के साथ समन्वय बनाएं और प्रशासन के साथ सहयोग करें और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो आम नागरिक है, उस आम नागरिक में कतई ये भय नहीं है कि उनका रोजगार कम होगा, उनको संसाधन उनके छिन जाएंगे, ये कतई भय नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि वहां भर्ती परीक्षाएं हुई, युवाओं ने भर्ती परीक्षा में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है, तो संसाधन बढ़ रहे हैं रोजगार के, तो वो रोजगार के संसाधन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके छिन जाएंगे रोजगार के। जब वहां हिंदू आबादी, देखिए अब हिंदू देश में, अगर भारत देश की बात करें, क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, तो सबसे ज्यादा टूरिज्म भी हिंदू लोग वहां जाते हैं। जब हिंदू लोग वहां स्थापित होंगे, उनको भी वहां अपनापन माहौल लगेगा, तो ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। अब तक लोगों को ये था कि वहां से हिंदुओं को मार के भगा दिया जाता है, तो टूरिज्म को लेकर के भी लोगों में, देश के अन्य स्थानों पर लोगों में एक विश्वास हुआ कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, उनका देश है, उसमें देखें और बॉर्डर के एरिया तक वो जाएं, तो इस प्रकार की चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल, दिलीप यशोधन जी के पास में जाऊंगी। दिलीप यशोधन जी, एक बार फिर उन तस्वीरों को मैं दोहरा पा रही हूँ, जिन तस्वीरों में ये प्रयास किया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ये तस्वीरें पहुँचाई जाएं कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी शांत नहीं है, और ये प्रयास लगातार किया जा रहा है जब से अनुच्छेद 370 हटा है। हर एक मौके पर, चाहे वहाँ के राजनीतिक लोकल दल जो हैं उन्होंने किया हो, और चाहे अब ये जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएँ साबित करने का प्रयास कर रही हों। देखिए, इतना आसान नहीं है, और 370 एक बार हट चुकी है तो उसको दोबारा रेस्टोर करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक तो ये फैसला वापस होने वाला नहीं है। और जो जिन परिवारों में ये घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के साथ पूरी संवेदनाएं हैं मेरी, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले और दिवंगत आत्मा को पूरी शांति मिले। लेकिन इन चंद घटनाओं से सरकार के फैसले वापस नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैसले, इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, और ये फैसला अगर वापस होगा तो एक बहुत बड़ी, बहुत गलत परिपाटी सिद्ध हो जाएगी इस देश में, जो नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, बल्कि सरकार को वहां पर अपनी और ताकत लगाने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा बलों को मजबूत करने की जरूरत है, सेना को और ज्यादा संसाधन देने की जरूरत है, और ज्यादा पावर देने की जरूरत है, उनको थोड़ी लिबर्टी देने की जरूरत है, और अपने इंटेलिजेंस को और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ा वीक पोर्शन है हमारे देश का। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही हमारे दुश्मन है, और दोनों ही चाहते हैं कि भारत में शांति कभी ना बनी रहे, और कश्मीर उनके एंट्री का एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये दोनों देश ये चाहेंगे, अभी तालिबान में जो घटना हुई, अफगान के लोगों, अफगान पे कब्जा हो गया, तो कहीं ना कहीं तालिबान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब एक ही तरफ है। अभी जो मोदी जी का दौरा हुआ था, जिसमें क्वाड में मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई। तो टेररिज्म को लेकर के इंटरनेशनल फोरम पर कई बार इस बात की जिक्र हो चुका है कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए,
भारत में उसमें एक कदम आगे बढ़ाया है, तो भारत को एक कदम पीछे तो नहीं लेना चाहिए बल्कि इन कदम को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी वो जो बाउंड्री है उसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बाउंड्री कमजोर होगी तो भारत अंदर से कमजोर होगा। वाजिब बात है, आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन हालात बदल रहे हैं, लेकिन हालात बदलने के साथ ही अब सरकार को चिंता करनी होगी कि कैसे हालातों को बेहतर किया जाए, घाटी का अमन चैन बरकरार रखा जा सके।